चलो अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हाँ। अच्छा पहले मैट्रिक्स ये बताओ कि मैट्रिक्स सुना कि नहीं पहले इससे? मैट्रिक्स सुना पहले? क्या क्या होता है मैट्रिक्स? नहीं पता, कर लिया ना अपन, ऐसे नहीं करा कि क्या होता है। चलो देखो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ, सॉरी ग्रुप ऑफ नंबर्स, है ना, जो नंबर्स रहते हैं उनका ग्रुप ले लिया हमने, है ना, और उनको अरेंज करा है रो में और कॉलम। ठीक है, नंबर्स ले लिए और उनको अरेंज करा कैसे, रो में और कॉलम, है ना, और इसमें लगा दिया हमने क्या, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद जो सिस्टम बना है, जो भी कुछ बना है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स, है ना। हेलो, निकालो भैया, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3। बुक कौन सी लानी है? शिवलाल की बुक लानी। ठीक है चलो, तो अभी ये कुछ भी नहीं बताया इनको, इतना सा बताया मैट्रिक्स क्या होती है। क्या होती है? ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जिनको हम रो में और कॉलम में जमा देते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं, तो क्या बन जाती है, मैट्रिक्स बन जाती है ना। इसके एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तो रो और कॉलम में जमा दिया। अब बताओ रो कौन सी है इसमें, है ना, 1 2 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या रहती है, रो, और जो वर्टिकल रहेगी वो कॉलम। तो ये हाँ 147 हो गया, 258 कॉलम हो गया, 369 क्या हो, कॉलम हो। तो कितनी रो है इसमें, 3 रो, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम। ठीक है, तो ऐसे मिलकर जो बनता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मैट्रिक्स। एक दूसरी बात आती है इसमें, ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, है ना, कितनी रो है ना कितने कॉलम है, ये होता है किसमें, ऑर्डर में। ऑर्डर में ऑर्डर को कहाँ लिखते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, इस जगह पे, यहाँ लिखते हैं रो, यहाँ पे लिखते हैं कॉलम। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हो इसकी ऑर्डर क्या है, कितनी रो है इसमें, 3 तो रो है और 3 कॉलम है, नहीं 9 नहीं, उसको ऐसे लिखते हैं सिर्फ 3 × 3, 9 नहीं लिखना उसको, 3 × 3 मतलब ये दिखाता है क्या, रो जो पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पे वो क्या है, कॉलम। समझ गई बात, है ना, कुछ लिखना है क्या इसमें, कुछ लिखने जैसा है क्या, है, चलो लिख लो, थोड़ा थोड़ा लिख लो, लिख लो। रो और कॉलम में नंबर्स को जमा दो तो क्या हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है। और ऑर्डर, देखो एक चीज और देख लो यहाँ पर, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं अपन एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, है ना, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली है ना, ए इक्वल ये मैट्रिक्स बना दी, है ना, और हमेशा हम इसको मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना, जैसे अभी तो नंबर है, मान लो मुझे कोई ए बी सी देना है तो वो किस में करूँगा, मैं स्मॉल में करूँगा, है ना, ए बी सी ऐसे। ठीक है, डी ई एफ, फिर जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो अंदर वाले को स्मॉल में करते हैं और ये जो होती है मैट्रिक्स वो कैपिटल पे दिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में वो ऐसे दे देगा कभी तो हमको समझ जाएगा एलिमेंट किधर है, मैट्रिक्स किधर है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पर पूरा जो कैपिटल है वो क्या रहेगा, मैट्रिक्स, और अंदर क्या रहेगा, स्मॉल में, जिसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, हो गया, हाँ हाँ जैसे सेट पढ़ा था वैसे ही है, वैसे ही। ठीक है, अब इसमें है ना एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अपन ऑर्डर समझने के लिए। जैसे अपन ने मैट्रिक्स बना दी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8
जीरो टू वन नाइन है ना, ये मैट्रिक्स है। नंबर्स को रो और कॉलम में जमा दिया, मैट्रिक्स बन गई। इसको दे दिया कैपिटल से, ठीक है। अब इसका ऑर्डर निकालने को बोले तो क्या करोगे? नंबर ऑफ रोज कितनी है? फोर क्रॉस थ्री आएगा क्या? पक्की बात है, फोर क्रॉस थ्री आएगा। रो कितनी है इसमें? अरे रो कितनी है? एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो। तो रो कितनी है? थ्री। फिर लिखते हैं कॉलम, कॉलम कितने हैं? एक दो तीन और चार। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? थ्री क्रॉस फोर, ठीक है, पक्की बात। अगले वाले का बताओ, किसका बताओ? थ्री क्रॉस टू, पक्की बात है, थ्री क्रॉस टू। ये रो कितनी है? तीन। कॉलम कितने है? दो है, ठीक है। ऐसे निकालनी होती ऑर्डर। रो हॉरिजॉन्टल जो होगा वो क्या होगा? रो। फिर से इसलिए मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल वाली क्या होगी? रो। तो ये एक पूरी क्या हो गई? रो। तो एक रो, दूसरी रो किसमें? देखो इसको, इसको ये जो पूरी है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? रो। तो ये कितनी? एक है, फिर ये दो है, फिर ये तीन है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है ना। और यहाँ पर ये कॉलम दो है और रो कितनी है? तीन। हॉरिजॉन्टल से याद रखना, हॉरिजॉन्टल क्या है? रो, और वर्टिकल क्या रहेगी? कॉलम, ठीक है। और कर लेते दो चार, यही कन्फ्यूजन होता है। ये बता दो, अब इसका ऑर्डर बता दो। वन इंटू फोर, वेरी गुड। वन इंटू फोर ही उसका ऑर्डर होगा। वन एक ही तो रो है इसमें, और कॉलम कितने हैं? चार, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया वन इंटू फोर। अब समझ आ गया, मैट्रिक्स समझ आया। एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, इसको कैपिटल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर होती है, आगे होता है रो और पीछे होता है कॉलम। ओरिजोनटल लाइन को क्या बोलते हैं? रो। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें तो कुछ नहीं लिखना। देखो अब हमको पढ़नी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़नी है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स। पहला होता है रॉ मैट्रिक्स, है ना। इसका मतलब क्या है रॉ मैट्रिक्स? हाँ, जिसमें क्या हो? एक ही रो हो। अच्छा एक चीज और, ऑर्डर में एक चीज और देख लो। यहाँ पर ये मान लो कोई मैट्रिक्स है, तो आगे वाले को हम एम बोलते हैं और पीछे वाले को एन बोलते हैं। तो एम क्या है? नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर रो मैट्रिक्स में जो एम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वन। एन कितना भी हो लेकिन एम कितना होगा? वन। मतलब नंबर ऑफ रो कितनी होगी? वन। एक ही रो हो जिसमें वो क्या होता है? रो मैट्रिक्स। तो अभी पहले एग्जाम्पल लिखा था वो क्या था? रो मैट्रिक्स ही तो था। ऐसे एक मैट्रिक्स बना दी, वन टू थ्री फोर, इसमें कितनी रो है? कॉलम कितने? फोर। तो ये ऑर्डर हो गया वन क्रॉस फोर, और ये किस तरह की मैट्रिक्स हो गई? रो मैट्रिक्स हो गई। दूसरी हम बोले कॉलम मैट्रिक्स, है ना। कॉलम में क्या हो जाएगा? कौन वन हो जाएगा? कौन? हाँ नहीं, कौन? एन। एन क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। एम तो एम ही रहेगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे? वन। तो कैसी बनेगी वो? ऐसी खड़ी बनेगी, वर्टिकल, है ना। ऐसे बना दूंगा ब्रैकेट, वन टू थ्री फोर। अब इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? फोर इंटू वन, वन तो आएगा ही नहीं। फोर इंटू वन, रो कितनी हो गई? चार। कॉलम कितना है? एक। तो ये क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। इसको भी लिख लो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जमा जमा के लिखते हैं। देखो तीसरा है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और
नल मैट्रिक्स मतलब जिसमें एलिमेंट जो हैं वो सारे एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो, वो क्या होता है नल मैट्रिक्स है ना, या फिर जीरो मैट्रिक्स, जैसे अपन ने सेट में भी देखा था एम्प्टी सेट है ना, और ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया था मैंने कि एम्प्टी सेट क्या होता है, और 10th वालों के इसमें भी आ गया था जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो है ना, 10th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आ गया था वो एम्प्टी सेट क्या होता है, तो ये यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं छोटी छोटी चीजें है ना, तो एम्प्टी सॉरी जीरो और नल मैट्रिक्स चल रहा है, एलिमेंट जीरो मतलब जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे जीरो, ठीक है। अब पहले इसका ऑर्डर बताओ, थ्री, ठीक है। एक और मैट्रिक्स बना देता हूँ, कैसी बना देते हैं, जीरो जीरो जीरो, इसका थ्री इंटू वन, एक और बना देते हैं जीरो 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 जीरो, इसका टू इंटू टू है ना। अब ये जीरो मैट्रिक्स तो है, इसके साथ कौन सी है ये, अभी पढ़ा अपन ने एक और रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो क्या है वन है, ये जीरो मैट्रिक्स तो है, इसके साथ में कौन सी है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है, वो देखेंगे अभी आगे वो कौन सी मैट्रिक्स, ठीक है। तीन टाइप हो गए, तीन टाइप पढ़े अपन, अब फोर्थ वाला, फोर्थ वाला है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कौन सा है स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में बताओ क्या हो सकता है जिसमें ऑर्डर सेम नहीं हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, भाई स्क्वायर में होता क्या है चारों साइड बराबर होती है, तो मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे बराबर, मतलब एम इक्वल एन है ना, तो मतलब ये जो बनाया है यहाँ पर वो किस तरह का हो गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए इक्वल वन टू थ्री फोर, इसकी ऑर्डर क्या हो गई टू इंटू टू, ठीक है। बी बी ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ऑर्डर क्या हो गया थ्री इंटू थ्री, ये बताओ ये है कि नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है। अभी भी कन्फ्यूजन हो, टू इंटू टू इंटू थ्री, अरे दो रो है और तीन कॉलम है तो वो स्क्वायर है क्या, वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है स्क्वायर, ठीक है, लिख लो इसको भी। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम हो गया, और जीरो हो गया, और स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन डायगोनल मैट्रिक्स, क्या पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, बता सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो। हाँ, बाकी सब क्या होंगे जीरो, देखो सबसे पहले डायगोनल समझेंगे क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब अपन ने क्या बनाया, एक मैट्रिक्स बना दो पहले, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इसका ऑर्डर क्या है थ्री इंटू थ्री, ये किस तरह का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तब इसमें डायगोनल कहाँ रहता है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ जाओगे तो ये क्या होता है डायगोनल, तो डायगोनल के एलिमेंट्स बताओ पहले कौन कौन है, वन फाइव नाइन, यही होता है इसमें डायगोनल, ठीक है, ये इसका डायगोनल हो गया, वन फाइव नाइन का एलिमेंट हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो होता है, तो ये ए को हमने एक दूसरा ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, वन फाइव नाइन तो रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा जीरो 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 जीरो, ठीक है। ऑर्डर बताओ पहले, तो थ्री इंटू थ्री, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके बाद ही क्या है डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्यों है, किधर से, नहीं इधर से ही होंगे वो, हाँ इसमें इधर से होंगे, ठीक है, उसको करेंगे बाद में जब ट्रायंगुलर वगैरह पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा, एक ही बनेगा ये वाला, ठीक है, अभी आप इतना ही देखो, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आ गए, बाकी सब क्या हो गए जीरो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया डायगोनल, ये स्क्वायर भी है और डायगोनल भी है, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसके बाद आता है ये फिफ्थ वाला था, सिक्स्थ वाला स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जिसके डायगोनल पे
डायगोनल पे सारे क्या हो, एक जैसे एलिमेंट हो, क्या हो, एक जैसे एलिमेंट हो और बाकी सब जीरो हो, समझना। एक जैसे का मतलब यहाँ पर क्या है, 1, 5, 9 अलग अलग है, यहाँ ले लो आप 5, 5 और 5 और बाकी सब क्या होना चाहिए, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हुआ, हाँ सेम रहना चाहिए, ऑर्डर क्या हुआ, 3 × 3। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसमें सारे आ गए, डायगोनल भी है और स्क्वायर भी है, ठीक है, इसको लिख लो। स्क्वायर पढ़ लिया, डायगोनल पढ़ लिया और स्केलर पढ़ लिया, है ना। अब बात है अपन यूनिट मैट्रिक्स पे, कौन सा यूनिट मैट्रिक्स। अब जैसे स्केलर में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं और बाकी बचे हुए जीरो होते हैं, तो यूनिट में क्या होगा, नाम से बता सकते हो। हाँ देखो, सबसे पहले तो सारे एलिमेंट सेम हो, डायगोनल के छोड़ के बाकी सब क्या हो, जीरो हो, और डायगोनल पे जो सेम हो वो भी क्या हो, 1, 1, 1, 1, 1, मतलब 2, 2, 3, 3 नहीं, क्या चाहिए, 1, 1, 1, 1, 1, 1 लगा दिया, बाकी सब क्या कर दिया, 0, 0, 0, 0। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3, और यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और लिखते कैसे हैं, I3 × 3, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपको, अगर अच्छा पहले तो ये बताओ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है, स्केलर है क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है और यूनिट भी है, ठीक है। हाँ इसमें सिर्फ 1 ही आएगा क्योंकि आइडेंटिटी यूनिट है, यूनिट मतलब सिर्फ 1, 1 आएगा, ठीक है। 1 को छोड़ के अगर कुछ और आ जाए, 2, 2 आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, स्केलर, और तीनों अलग हो जाए तो डायगोनल, और बाकी सब एलिमेंट भी आ जाए 0 को हटके तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पर I2 × 2, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स बना दो, दो तो रो चाहिए और दो कॉलम चाहिए, पहला वाला क्या होना चाहिए, 1, यहाँ पे 0 आएगा, डायगोनल ये वाला है तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0, ये हो गया 2 × 2, ठीक है। I4 × 4 भी लिख सकते हैं अपन, है ना, वो तुम लिख लेना, 1, 1, 1 चला देना, बाकी सब पे 0, 0, 0, ठीक है। आगे बढ़े क्या, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स कब आएगी, डायगोनल कब बनेगा, जब स्क्वायर ही होगा, है ना। अगर मान लो कि एक ऐसा मैट्रिक्स दे दिया मैंने जो स्क्वायर नहीं हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें डायगोनल कहाँ कैसे बनेगा बताओ, यहाँ से बनाने जाऊँगा तो 1 और 8 ही आएगा बस, सारे वो एलिमेंट बन नहीं पाएगा, डायगोनल ही नहीं बन पाएगा। तो एक डायगोनल कहाँ बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में, है ना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 4 × 4, 5 × 5, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। गुड क्वेश्चन, लिखो इसको, लिखो ये भी बना देना, 4 × 4। चलो अब है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्या है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें क्या रहते हैं, ट्राइंगल रहते हैं, कहाँ पे, ट्रायंगुलर शेप में एलिमेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, ट्रायंगुलर शेप में। ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे ही बन सकता है, एक तो ऐसे बन सकता है, ठीक है, और एक इधर बन सकता है ऊपर, ठीक है। तो ऊपर बने तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे बने तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ अभी हम डायगोनल सिर्फ ऐसा देख रहे हैं तो इसलिए ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, आएंगे अभी फिर बाद में उस पर, है ना।
तो ये अपर और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लेते हैं, इसको बी बोल देते हैं, है ना। अपर में क्या होगा कि ऊपर वाले यानी कि इस डायगोनल के ऊपर ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो क्या रहेंगे, एलिमेंट रहेंगे वहां पर, है ना, क्या रहेगा, एलिमेंट रहेंगे, बाकी सब क्या होगा, जीरो। मान लो कि ये 3x3 है, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो, बाकी सब जगह पर क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। तो यहाँ लगा देते अपन कुछ भी, 1 2 3, है ना, यहाँ भी रहेगा, 4 5 और 6। तो ये देखो बन गया ट्रायंगल, है ना, इसलिए, और ये ऊपर साइड है इसलिए इसको क्या बोला, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ऊपर सारे क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर सारे जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो, बाकी सब पे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गया एक नीचे ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, लिखो इसको। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए, है ना, कौन कौन से पढ़े, रो जिसमें सिर्फ रो हो, एक कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, फिर क्या पढ़ा, जीरो नल जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, फिर क्या पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, ये स्क्वायर हो गया। फिर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, है ना, और वो क्या होगा, बाकी सब जीरो, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। फिर स्केलर, स्केलर में क्या होता है, स्केलर में सेम होते हैं, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, बाकी सब जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, डायगोनल पे सिर्फ वन 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 होगा, बाकी सब जीरो होंगे। और ये सारे स्केलर, यूनिट, डायगोनल, ये सब क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ा हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट हो और बाकी सब जीरो हो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और डायगोनल के नीचे एलिमेंट हो और बाकी सब जीरो हो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ना इनकी पोजीशन को हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स लिया मैंने, है ना, ये लिया है मैंने 3x3 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि एलिमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट ऐसे दे रहा हूँ यहाँ पर, ए ए ए बोला था ना स्मॉल से लिखना है, इसलिए स्मॉल से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इनकी पोजिशन को अपन डिफाइन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, तो उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले दो चीजें लिखेंगे यहाँ पर, स्टार्टिंग में लिखते हैं रो, उसके बाद लिखते हैं कॉलम, कि कौन से नंबर की रो में है और कौन से नंबर की कॉलम में है। भाई किसी भी एलिमेंट को पहचानना है तो ऐसे ही पहचान सकते हैं, दूसरे नंबर की रो, दूसरे नंबर का कॉलम, तो कहाँ जाएंगे बताओ, दूसरे नंबर की, मैं पूछ रहा हूँ दूसरे नंबर की रो और दूसरे नंबर का कॉलम, मतलब यहाँ पहुंच जाएंगे अपन, है ना। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं, हमें को इसका नाम देना है, ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, और कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। इसको नाम देंगे, ये कौन सी रो में, फर्स्ट में, कॉलम सेकंड हो जाएगा, ये 1 3, यहाँ आएंगे तो 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 और 3 3, समझ गए। आगे होती है रो, पीछे होता है कॉलम, है ना, हॉरिजॉन्टल होती है रो, वर्टिकल होते हैं कॉलम। तो ये इनकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। अब आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, मान लो यहाँ पर 0 1 3 5 1 0 2 3 1, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि A14 बताओ, A14 तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें 4 कॉलम है ही नहीं, तो A14 तो आएगा ही नहीं। बोल दिया A22 बताओ, A22 क्या है, 1। A31 बताओ, 2, है ना। A32 बताओ, 3। A13 बताओ, 3, ठीक है, आ जाएगा समझ में, 13 क्या है, 31 क्या है, ठीक है।
तो ये इसके क्या हो गई, पोजीशन हो गई। बड़े आगे है ना, लिखना था क्या, ये लिखना था क्या, ये लिखना। चलो अब देखते हैं अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब अपन ऑपरेशन चालू कर रहे हैं, मैट्रिक्स खत्म, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया, अब क्या चालू कर रहे हैं, ऑपरेशन। वो वाला ऑपरेशन नहीं। उसको नहीं पढ़ रहे अपन, हॉरिजॉन्टल भी होता है वर्टिकल भी होता है, लेकिन वो नहीं पढ़ रहे। उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ रोज कम होती है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं, है ना वैसा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ऑपरेशंस पढ़ते हैं। पहला है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्या है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो स्केलर है, स्केलर का मतलब है कि कोई एलिमेंट, यहाँ पे जो स्केलर उसका मतलब क्या है, कोई एलिमेंट, मतलब किसी मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, किसी एलिमेंट का या किसी नंबर का, एलिमेंट भी बोल सकते हो या फिर नंबर भी बोल सकते हो, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मान लो कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको के से। ठीक है, के कोई एलिमेंट हो सकता है या फिर कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको के मल्टीप्लाई ए। अब मान लो कि ए जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, 3x3 की है, 3x3 है ना। चलो बताओ पोजीशन बताओ, ए पहले इसको लिखते हैं, बताओ ए 1 1, ए 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 और 3 3। ठीक है, अब इसको हमको के से मल्टीप्लाई करना है, के कुछ भी हो सकता है, 2 5 6 7, ए बी सी डी, के खुद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो के मल्टीप्लाई ए, ए मतलब क्या है, मैट्रिक्स है, के एक एलिमेंट है और ए क्या है, मैट्रिक्स है। तो जब किसी एलिमेंट का या नंबर का अपन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, किसी नंबर से कर रहे हैं सिंपल। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये के जो है इसको अंदर डाल दो मैट्रिक्स के। तो के ए 1 1, के ए 1 2, के ए 1 3, सब में क्या हो गया, के का मल्टीप्लाई हो गया। के ए 2 2, के ए 2 3, के 3 1, के सॉरी ए 3 1 और ए 3 2 और के ए 3 3। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, किसी भी नंबर से या किसी भी एलिमेंट से हमको मल्टीप्लाई करना है तो पूरे मैट्रिक में सब में मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं अपन, ये कर देना ए इक्वल 1 2 3 4 है ना, तो आप निकालो 6a, ये आपको निकालना है। ठीक है, यहीं कर दो, बताओ 6 12 18 24 कितना है ऑर्डर, 2x2, ऐसे हो जाएगा ये। 12 से करना हो तो 12 से हो जाएगा, जिससे भी करना हो उससे मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, ये हो गया स्केलर, लिख लो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। चलो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना। अब नेक्स्ट है हमारा एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में कर लेते। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करना है, आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ना है ना। ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपके, छोटा ले लेते हैं 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स दे रखा है 3 4 5 6। ठीक है, ऑर्डर क्या है, 2x2 2x2। ठीक है, इनको क्या करना है, ऐड करना है, ए प्लस बी निकालना है आपको, आपसे पूछेगा ए प्लस बी निकालो, तो क्या करना होता है बता सकते हो। देखो ये जो पहला एलिमेंट है और इसका पहला एलिमेंट है, इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, इसको और इसको प्लस कर दो, 2 प्लस 4
सिक्स, इसको और इसको प्लस कर दो, एट, और 4 प्लस 6 कर दो, 10 है ना। तो जो मैट्रिक्स बना वो क्या बना, ए प्लस बी इक्वल 4 6 8 10, ये हो गया 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, माइनस कर दोगे, ठीक है, माइनस वाला यहाँ कर लो। हाँ वो भी कर रहे हैं, पहले माइनस कर ले, ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 3 कितना जाएगा, -2, 3 माइनस 5 -2, 2 माइनस 4 और 4 माइनस 6 -2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी -2 -2 -2 और -2, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, लिख लो पहले इसको। देखो अभी एडिशन और इसमें जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, कि इनका जो ऑर्डर है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा, तभी जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम एक लेते एग्जाम्पल, वो आपको खुद ही दिख जाएगा कि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो जुड़ेंगे भी नहीं घटेंगे भी। मान लो कि बी ले लिया हमने यहाँ पे, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 इंटू 3 बनेगा, है ना। अब इसको जोड़ना है, पहले वाले को पहले से जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे, ये रह जाएंगे, तो इनके साथ भेदभाव हो जाएगा, इसलिए इनको नहीं जोड़ेंगे। तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इधर भी 2 क्रॉस 3 होता तो जोड़ देते, है ना। यहाँ मान लो यहाँ पे दे देते हैं अपन 2 और 1, दे दिया, इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। तो इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, आ सकता है, घुमा के दे सकता है वो। जैसे कि डिफरेंट दे दिया है ना, जैसे पहले दे रखा था ये वाला, और यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख दिया नीचे, ट्रू फॉल्स में आ गया ये, उसका एडिशन लिख दिया उसने, कुछ कुछ ऐसे लिख दिया, मान लो 4 6 8 10, और बचे हुए को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, और ऐसे बना दिया, ये ट्रू फॉल्स में दे दिया कि क्या इसका एडिशन है ना। तो अब जिसको पता होगा वो तो कर देगा कि गलत है, और बाद जिसको नहीं पता उसको लगेगा कि हाँ 3 3 और 2 में क्या जोड़ा, 0 0 जोड़ा है इसलिए ऐसा आया है, और वो सही है ना, ऐसा दे सकता है। ठीक है, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये इसको जोड़ रहे थे अपन, यहाँ पे क्या था लिख दिया था मैंने, 1 और 3, जोड़ दो इसको फटाफट, 4 6 4 8 10 5, ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 2 गुणित 3, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। 3 गुणित 2 नहीं, 2 गुणित 3, ठीक है, लिखना है क्या इसको, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब, है ना, क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, एक मैट्रिक्स तो इधर बना दी, एक मैट्रिक्स इधर बना दी, और दोनों क्या कर दिया, इक्वल कर दिया उसने, और आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई डब्ल्यू और जेड इन सब की क्या निकालो, वैल्यूज निकालो। निकाल सकते हैं कैसे बताओ, देखो यहाँ पर क्या करो, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है
तो इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये ए वन वन है ना ये, और ये मान लो अगर बी मैट्रिक्स है तो बी वन वन, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। तो एक्स माइनस वाई इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस वन। इसको इक्वल कर दो, 2x माइनस वाई इक्वल जीरो। इधर से इसको इक्वल कर दो, z इक्वल फोर, फोर है वो, w इक्वल फाइव। तो z और w की तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, कितनी है, फोर और फाइव। किसकी निकालनी है, x y की। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, y इक्वल यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x है ना, ये y इधर कर दिया, ये y इक्वल 2x, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, x माइनस 2x इक्वल माइनस वन। तो माइनस एक्स इक्वल माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो क्या हो गया, एक्स इक्वल वन, वाई इक्वल टू इंटू वन, कितना हो गया, टू। जेड इक्वल फोर और डब्ल्यू इक्वल फाइव। ठीक है, लिख लो, कर लो इसको। अच्छा क्वेश्चन आ गया वापस, लाइव चालू कर देंगे अगली बार से इसको, तो वो वही बात कर लिया करना यार, ये सब्जी बना के रखना, मैं आ रही हूँ घर पे, है ना। चलो लाइव भी करेंगे, ये लाइव भी चल रहा है, बोलना पड़ेगा, ऐसा बोल देते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लो, कोस थीटा साइन थीटा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा कहीं भी। प्लस साइन थीटा या माइनस, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसकी क्या निकालना है, वैल्यू। और कैसे निकलेगी पहले देख लो, ये आपका एक मैट्रिक्स है और एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे किस तरह का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किस तरह का हो रहा है पहले बताओ, कौन सा वाला मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जहाँ एलिमेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में होता है तो स्केलर। तो स्केलर वाला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पहले, यहाँ पे फिर से स्केलर हो जाएगा, और बीच में क्या दे रखा है, प्लस। तो दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, तो कर दो इसको अभी इसी वक्त। देखो ये कॉस थीटा का मल्टीप्लाई अंदर करना है, ठीक है, तो ये कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, कॉस थीटा साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, माइनस का कोस थीटा साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का कर दिया, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, फिर साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये लेके आना था। ठीक है, अब क्या करो, सीधे जोड़ दो, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से जुड़ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाउ वन हो जाएगा। इसको इससे जोड़ेंगे तो जीरो, इसको इससे जोड़ेंगे तो जीरो, इसको इससे जोड़ेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा, 1 0 0 1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 × 2। ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, स्क्वायर तो है ही। अब देखो मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दिया उसने और आपके ऑप्शन में दे दिया, तो ऑप्शन में वहां पे ये नहीं दिया और उसने वहां लिख दिया I2 2। ठीक है, तो उसका आंसर ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2। ठीक है, यहां घुमा सकता है, ठीक है, हो गया।